Hey guys, hope you all are doing fine and welcome back to our channel Khyati and Anuj. ये वीडियो में हम आपसे शेयर करने वाले हैं एकता नगर में बजट स्टे ऑप्शन। हम जो रुके थे वो होटल काफ़ी अच्छी थी अकॉर्डिंग टू इट्स प्राइस एंड उसकी सारी डिटेल्स हम आपसे इस वीडियो में यहाँ पे शेयर करने वाले हैं। SOU के आसपास में आपको स्टे के थोड़े से ऑप्शंस हैं, बहुत सारे ऑप्शंस नहीं हैं, लिमिटेड ऑप्शंस हैं, लेकिन बजट से लेके आपको 5-स्टार एमिनिटीज़ वाले सब ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाते हैं। इसमें से ही एक ऑप्शन है BRG बजट स्टे, हम लोग उसमें ही स्टे कर रहे हैं और हम लोग को हमारा डबल ऑक्यूपेंसी वाला रूम पड़ा 1700 में। यहाँ पे सिंगल ऑक्यूपेंसी 470 से स्टार्ट होता है और डिपेंड करता है कि आप कब वीकडेज में आ रहे हो या वीकेंड्स में आ रहे हो और यहाँ पे सीजन का टाइम कौन सा है, वो सबसे रेट थोड़े से वेरी करते हैं। BRG बजट होटल है ना, वो SOU के पार्किंग लॉट से हार्डली 5 मिनट्स ड्राइव डिस्टेंस पे है। यहाँ पे आपको आसपास पे बहुत सारे रिक्शाज भी मिल जाएगी, होटल्स के भी कार्स हैं एंड आपके पर्सनल कार्स भी आप पार्किंग लॉट तक लेके जा सकते हैं। होटल काफ़ी बड़ी एंड स्पेशियस है, इसके पास यूज पार्किंग लॉट है प्लस बड़ा सा सामने गार्डन है एंड नीचे का जो डाइनिंग एरिया है प्लस रिसेप्शन है वो भी काफ़ी बड़ा एंड स्पेशियस है। सेम गोज विद द लॉबी एरिया, बहुत सारे रूम्स अवेलेबल होने के कारण लॉबी एरिया भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। 1-2 फ्लोर्स है अलग अलग प्लस 3-4 कॉन्फ्रेंस रूम्स हैं, तो अगर बड़े बड़े कॉर्पोरेट मीटिंग या तो फिर गेस्ट अगर आ रहे हैं या कोई फंक्शन है यहाँ पे, डेस्टिनेशन वेडिंग वगैरह भी करना है, तो उसके लिए भी ये बजट में अच्छा सा होटल है। मोस्ट सरप्राइजिंग थिंग हियर वर द रूम्स, बेड्स वगैरह इतने नीट एंड टाइडली अरेंज थे, बालकनी है प्लस सारी जो फैसिलिटीज़ है, कबर है, बिग मिरर है, हर एक चीज़ थी, इतना अच्छे से अरेंज था प्लस जो बाथरूम है वो भी इतने नीट क्लीन थे। हमारा जो एक्सपेक्टेशंस था एक बजट होटल से, उससे काफ़ी अच्छा इन्होंने प्रूव किया है। होटल में आपको कपल रूम प्लस डबल ऑक्यूपेंसी रूम, सिंगल ऑक्यूपेंसी रूम, ट्रिपल ऑक्यूपेंसी रूम, सारे ही फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। चार्जेस सारे के अलग अलग वेरी करते हैं, आप जाने से पहले उनके वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा 3 नाइट्स का स्टे था एंड ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था। ब्रेकफास्ट वॉज वेरी गुड, ब्रेकफास्ट में भी काफ़ी ज़्यादा वेराइटीज़ थी, साउथ इंडियन था मेन्यू में प्लस पोहा, उपमा, टी, कॉफ़ी वगैरह ऑप्शंस काफ़ी अवेलेबल थे। हम लोग मोस्टली लंच स्किप करते थे एंड डिनर्स हम लोग यहाँ पे करते थे। आप फूड के टेस्ट को लेके ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस ना रखें, फूड का टेस्ट ओकेश था बट सारी चीज़ें आपको मेन्यू में अवेलेबल हो जाएगी। देर इज इवन EV चार्जिंग पॉइंट इज हियर, देर इज 2 चार्जिंग पॉइंट एंड 4 कार्स कैन बी चार्ज एट अ टाइम एंड बाइक ऑल्सो। इवन इट्स अ बजट होटल लेकिन फिर भी यहाँ पे ये पॉइंट्स इन लोग ने अवेलेबल रखे हैं, तो इट्स अ गुड थिंग। एंड आई कैन सी देर इज 1 मोर होटल कमिंग राइट अपोजिट BRG बजट स्टे, तो यहाँ पे और भी बजट स्टे के ऑप्शंस इन फ्यूचर अवेलेबल हो जाएंगे। मंडे के वजह से यहाँ पे कोई इतना रश नहीं है क्योंकि स्टैचू ऑफ यूनिटी मंडे के दिन बंद रहते हैं। आज हम लोग आज शाम को यहाँ पे पहुँचे और हमारे स्टे पे थोड़ा सा रिलैक्स करके अभी हम लोग यहाँ का जो आसपास का एरिया है, जो स्पेशली एकता नगर का एरिया है, एकता नगर स्टेशन है और फिर आसपास में जो सब पूरा बना है वो देखने निकले हैं। इन लोग ने रोड पर सब बहुत अच्छे से लाइटिंग की है, यू कैन सी पूरा रोड पे है ना, इन लोगों ने ऐसे सब लाइटिंग्स वगैरह की है तो लुक बहुत ही अच्छा आया है। इवन स्टेशन भी इन लोगों ने बहुत अच्छा वेल मेंटेन्ड बनाया है, आप इम्प्रेस हो जाओगे देख के। वही बस अभी देख रहे हैं आसपास पे और क्या ऑप्शंस मिलते हैं और आपको बताते हैं। करेंटली हियर वी आर एट एकता नगर स्टेशन और ये है एकता नगर स्टेशन का पार्किंग लॉट। पार्किंग भी इतना बड़ा एंड ह्यूज है, स्टेशन इतना ब्यूटीफुली उन्होंने बनाया है, हर चीज़ के लिए प्रॉपर अरेंजमेंट्स है, क्लीनलीनेस है, एवरीथिंग इज़ वेल मेंटेन एंड प्रॉपरली प्लान्ड। आई जस्ट अप्रिशिएट दिस। और स्टेशन भी अगर आप अंदर से देखोगे, बाहर से देखोगे तो बहुत बहुत अच्छे से बनाया है, मेंटेन है और बहुत अच्छा है।
अगर आपको स्टेचू ऑफ यूनिटी आना है तो स्टेशन आपको पड़ेगा वो है एकता नगर स्टेशन। इसका पहले नाम था केवड़िया, अभी इसका नाम है एकता नगर। अगर आपको मुंबई से आना है तो बेस्ट ट्रेन का टाइमिंग जो आपको पड़ेगा वो है जो रात को 11:30 को दादर स्टेशन से चलती है एंड सुबह नेक्स्ट डे यहाँ पे आती है 7:30 को। अगर आपको वन डे का ही यूनिटी का प्लान करना है तो आप सेम डे में घूम के पूरा रात को 9:30 की जो ट्रेन है रिटर्न होती है जो नेक्स्ट डे दादर स्टेशन अगेन 5:30 को पहुँचाती है वो आप राउंड ट्रिप कर सकते हैं। तो ये आपके लिए परफेक्ट प्लान होगा आपके वीकेंड्स के लिए। वैसे ये बड़ा यूज जंक्शन तो नहीं है, छोटा सा ही स्टेशन है, बहुत लिमिटेड ट्रेन्स यहाँ पे आती है। अंदर का स्टेशन भले ही छोटा हो पर बाहर का जो एरिया है वो बहुत अच्छे से बनाया है, बहुत बड़ा है। टू व्हीलर के लिए अलग पार्किंग है, फोर व्हीलर के लिए अलग लेन है, रिक्शा ई बाइक्स ई रिक्शा सबके लिए अलग से लेन यहाँ पे मेंटेन की है। तो अगर आप स्टेशन के बाहर जैसे ही आते हो आपको कोई चीज़ का प्रॉब्लम नहीं होगा, हर चीज़ इजीली मिल जाएगी। तो सामने ही यहाँ पे रेस्टोरेंट भी है, सामने ही स्टे ऑप्शंस भी हैं, तो हर चीज़ अच्छे से प्लान किया हुआ है। यहाँ पे एक बहुत अच्छा मैसेज इन्होंने लिखा है, अनेकता में एकता, दैट इज़ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जो कि इंडिया की पहचान है। सो दैट्स इट फ्रॉम द व्लॉग। होप जो इन्फॉर्मेशन हमने आपसे शेयर की वो अच्छी लगी होगी, यूजफुल हुई होगी। टिल देन गुड बाय, सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू आर न्यू एंड हिट द बेल आइकन। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में।